आज मैं आप लोगों को डबल कटरी का ब्लाउज सिलाई करना बताएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से सिलाई करना है। सबसे पहले मैं यहाँ से देखिए बैक पार्ट सिलाई करूँगी। बैक पार्ट सिलाई करने के लिए फैब्रिक और अस्तर को एक साथ ले लूँगी। तो फैब्रिक को मैंने यहाँ पर सीधा साइड की तरफ से अस्तर के साथ अटैच करूँगी और उसके बाद यहाँ से सिलाई करूँगी। सिलाई देखिए यहाँ से हाफ इंच लेकर सिलाई करूँगी और इस सिलाई को बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई करना होता है। मैंने यहाँ पर नेक को मिडल बराबर मिलाकर सिलाई किया है। तो अभी जहाँ से मिडल बराबर मिलाकर सिलाई किया है वहाँ से यहाँ पर मिडल बराबर फिर से मिलाकर सिलाई लगाऊंगी। सेम बराबर सिलाई करना होता है। उसके बाद नेक को यहाँ पर छोटा छोटा काट लगाऊंगी। अगर इस काट को नहीं लगाने से आपका नेक परफेक्ट फिनिशिंग नहीं होगा और पलटने के बाद ये अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो चलिए अभी फिनिशिंग का सिलाई दूंगी। अस्तर के साइड की तरफ से फिनिशिंग का सिलाई लगाऊंगी। इस फिनिशिंग का सिलाई को भी बिल्कुल ध्यान में रखकर सिलाई करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई करना होता है। तो यहाँ पर देखिए फिनिशिंग का सिलाई कंप्लीट है। तो चलिए इसको सीधा साइड की तरफ से लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको सीधा साइड की तरफ से ले लिया है। तो चलिए अभी अस्तर और फैब्रिक को कमर से एक साथ सिलाई कर लूँगी। जैसे कि फैब्रिक और अस्तर एक साथ रहो इसलिए यहाँ पर इस सिलाई को करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फैब्रिक और अस्तर को पूरा घुमाकर सिलाई लगाऊंगी। तो अभी देखिए यहाँ से टैक्स लगाऊंगी बैक साइड की तरफ से। यहाँ पर देखिए टैक्स सिलाई करने के लिए इस तरीके से टू फोल्ड करके ले लूंगी और यहाँ से हाफ इंच लूंगी और उठाऊंगी 4 इंच तक उठाकर सिलाई करूंगी। तो दूसरा साइड की तरफ से भी सेम तरीके से यहाँ पर उठाकर सिलाई करूंगी। ये देखिए मैंने टैक्स लगा लिया। तो अभी देखिए यहाँ से कमर पट्टी सिलाई करूँगी। कमर पट्टी को यहाँ से देखिए हाफ इंच लेकर यहाँ पर अटैच करूँगी और बिल्कुल देखिए यहाँ से मिडल बराबर जाने के बाद यहाँ से छोटा सा प्लेट डाल दूँगी। जैसे कि यहाँ से छोटा सा फायल डालूँगी। उसके बाद कमर पट्टी में भी फिनिशिंग का सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए फिनिशिंग का सिलाई बिल्कुल कमर पट्टी के साइड की तरफ से ही लगाना होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैक पार्ट का सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अभी फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट सिलाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन सा पार्ट को सिलाई करना होता है।
ये देखिए मैंने कात्री का पार्ट ले लिया है। दोनों कात्री का पार्ट को यहाँ से मिलाकर लूंगी। ये देखिए बराबर इस तरीके से लेना है। जिस साइड की तरफ से छोटा साइज है, जैसे कि जहाँ से हुक पट्टी सिलाई करना है उसी साइड की तरफ से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सिलाई बिल्कुल डबल सिलाई लगाना है। और यहाँ से साइड से जो भी एक्स्ट्रा फेब्रिक मिलता है मैंने इसको हल्का सा काट लगा दिया है। यहाँ पर कातरी सिलाई करने के बाद अभी देखिए यहाँ से कातरी का टैक्स देने के लिए यहाँ पर इस तरीके से बराबर कर कर ले लूंगी। और यहाँ से कातरी के टैक्स 1.5 इंच तक लूंगी और इस तरीके से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद देखिए यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए कातरी का टैक्स लगा लिया है। तो यहाँ पर कातरी का टैक्स लगाने के बाद यहाँ से आर्म होल का पार्ट सिलाई करूंगी। ये देखिए इस तरीके से बराबर अटैच करना है। देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ से बराबर लेना होता है। और सिलाई यहाँ पर देखिए 1/2 इंच लूंगी। सिलाई बिल्कुल डबल सिलाई देना है। यहाँ से देखिए साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है इसको थोड़ा सा काट लगा दूंगी इस तरीके से। तो चलिए अभी किनारे से पीकू लगा दूंगी। अगर आपके पास पीकू नहीं होने से साइड से सिलाई कर लीजिए। उसके बाद यूक पट्टी के लिए मेजरमेंट लूंगी, जैसे कि फ्रंट साइड का कमर का बेल। यहाँ से लूंगी 1 इंच लूंगी और मिडल से लूंगी 3.5 इंच तक लूंगी। और यहाँ से लूंगी 3 इंच तक रखूंगी यहाँ से। तो जहां से निशाना लगाया है वहां से इसको शॉक से निशाना लगा दूंगी इस तरीके से। तो अभी देखिए यहाँ से कितने इंच तक लेना है। यहाँ से मैं 5 इंच तक रखूंगी। आपको जितना इंच तक रखना है आप अपने हिसाब से ले सकती हो। तो चलिए अभी यहाँ पर इस तरीके से मिला दूंगी। तो ये देखिए यूक पोटी को इस तरीके से फोल्डिंग करूंगी। अंदर की तरफ से 1 इंच जैसा फोल्डिंग करूंगी। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर सिलाई करूंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से घुमाने के बाद यहाँ से देखिए 3 छूट नहीं तो 2 छूट का लगभग और एक सिलाई लगाऊंगी। फिर सिलाई करूंगी हुक पोटी। ये जिस साइड में हुक का घर बनाना है उसी साइड की तरफ से है ये। तो इसको देखिए मैंने उल्टा साइड की तरफ से ले लिया है और इसको सीधा साइड की तरफ से पलट लूंगी। अभी देखिए पलटने से पहले यहाँ से फिनिशिंग का सिलाई दूंगी हुक पोटी के साइड की तरफ से। तो फिनिशिंग का सिलाई के बाद यहाँ से देखिए इसको कैसे फोल्डिंग करना है। इस तरीके से सामने की तरफ से फोल्डिंग करूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ से जिस तरीके से फोल्डिंग किया है तो यहाँ पर सिलाई भी ठीक बराबर करूंगी। बिल्कुल यहाँ पर देखिए सिलाई बिल्कुल देखिए किनारे से करूंगी। उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच का लगभग और एक सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का लगभग सिलाई लगाऊंगी। जैसे कि हुक का घर स्टेप बाय स्टेप रहो इसलिए इस सिलाई को लगाया जाता है। तो चलिए अभी राइट साइड के पार्ट सिलाई करूंगी। लेफ्ट पार्ट सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है। और इसको भी देखिए आर्महोल का पार्ट को कतरी का पार्ट के साथ बिल्कुल बराबर मिलाकर लूंगी। दूसरा पार्ट में जिस तरीके से सिलाई किया है तो इस पार्ट को भी सेम तरीके से सिलाई करूंगी। दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहां से भी सेम तरीके से यहां पर योग पट्टी के लिए मेजरमेंट लूंगी।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कतरी का शेप किस तरीके से आया है, बहुत अच्छे से कतरी का शेप आया है, इस तरीके से कतरी का शेप आना चाहिए। तो दूसरा साइड की तरफ से भी हुक पट्टी सिलाई करूंगी। इसको देखिए सीधा साइड की तरफ से रखूंगी और यहाँ पर देखिए मिडल में छोटा सा प्लेट डाल दूंगी, ये सिर्फ राइट साइड की तरफ से इस तरीके से सिलाई होगा। तो चलिए अभी यहाँ से फिनिशिंग का सिलाई दूंगी हुक पट्टी के साइड की तरफ से। फिर इसको उल्टा साइड की तरफ से फोल्डिंग करूंगी। फोल्डिंग करने के बाद यहाँ से एक कच्चा सिलाई दिया जाएगा। हुक सिलाई करने के बाद इस सिलाई को खोल दूंगी। दोनों पार्ट को बराबर करके देखने के बाद यहाँ से इस तरीके से बराबर देखूंगी, बिल्कुल बराबर है। तो चलिए नेक पट्टी सिलाई कर लूंगी। यहाँ से नेक पट्टी में सिलाई 1 से 2 प्लेट डालकर सिलाई करूंगी, क्योंकि मैंने इसको सीधा काट किया है तो इसलिए यहाँ से 1 से 2 प्लेट डालकर सिलाई करूंगी। उसके बाद यहाँ से छोटा छोटा काट लगाऊंगी नेक को। नेक को काट लगाने के बाद यहाँ पर फिनिशिंग के लिए सिलाई दिया जाएगा। फिनिशिंग का सिलाई देखिए बिल्कुल ध्यान में रखकर देना है दोनों साइड की तरफ से। फ्रंट पार्ट भी सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ज्वाइन कर लूंगी। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से लेना है और यहाँ पर इसका ऊपर में बैक पार्ट को रखूंगी, बिल्कुल बराबर रखूंगी। मैंने यहाँ पर स्लीव का डिजाइन सिंपल डिजाइन बनाया है, तो इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर दिया है, चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हो चैनल में जाकर, और नहीं तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, यहाँ से भी देख सकती है। तो मैंने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से स्लीव का डिजाइन बनाया है, तो यहाँ से बराबर मिलाकर सिलाई करूँगी।
तो यहाँ पर मैंने स्लीव अटैच कर लिया है, तो चलिए अभी क्या करना है। तो अभी देखिए स्लीव अटैच करने के बाद साइड से एक सिलाई करूँगी, ये देखिए साइड से एक सिलाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए मेजरमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है, तो बिना मेजरमेंट से इस सिलाई को करना है। तो ये देखिए बिल्कुल किनारे से सिलाई करना है, फिर साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलेगा इसको काट कर देना है। तो चलिए दूसरा साइड का स्लीव भी सेम तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल मीदार बराबर मिलाकर लूंगी। तो सिलाई करने के बाद यहाँ से देखिए 7.5 इंच तक रखूँगी हुक पट्टी के साइड की तरफ से, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट कर दूँगी, और यहाँ से इस तरीके से फोल्डिंग करूँगी। इस सिलाई को बिल्कुल कच्चा सिलाई लगाना है, जब हाथ से तुरफाई करने के बाद इस सिलाई को खोल देना है। मैंने यहाँ पर 42 साइज के हिसाब से मेजरमेंट ले लिया है। तो फिटिंग्स देखिए कहाँ से करना है, हमेशा बैक साइड की तरफ से ब्लाउज का फिटिंग्स देना है। अगर आप फ्रंट साइड की तरफ से ब्लाउज का फिटिंग देने से क्या होगा, फ्रंट साइड की तरफ से आपका ब्लाउज का फैब्रिक कम हो जाएगा और बैक साइड की तरफ से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा बैक साइड की तरफ से ब्लाउज का फिटिंग्स देना होता है। ये बात भी हमेशा ध्यान रखना है। सिलाई भी देखिए बिल्कुल डबल सिलाई होना चाहिए। मैंने यहाँ पर डबल सिलाई देने के बाद यहाँ पर साइड से और एक पीको कर दिया है, तो अभी देखिए दूसरा साइड की तरफ से भी यहाँ पर फिटिंग्स करूँगी। एक साइड की तरफ से मैंने कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 42 साइज प्रकार ब्लाउज, जैसे कि डबल कतरी काट ब्लाउज सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्लाउज को किस तरीके से मैंने सिलाई किया है, और इसका फिटिंग्स भी देख लीजिए, इसका फिटिंग्स किस तरीके से फिटिंग्स आया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए। थैंक यू।